जय गुरु जी। सारी संगत को जो भी अभी जुड़े हैं या फिर बाद में जुड़ेंगे उन सबको सादर प्रणाम। गुरु जी को रोम रोम से शुक्राना करते हुए हम ये सत्संग शुरू करते हैं। आज गुरु जी का आदेश हुआ है कि इस चैनल पे गुरु जी के गुण गाए जाएं, तो ये गुरु जी हैं जो जिनके आदेश पे सारी की सारी सेवा चलती है। ये तो 100% कन्फर्म्ड है कि जो भी सेवा हो रही है वो गुरुजी के आदेश पे ही हो रही है। किसने करनी है, किसने सुननी है, किसने कितने बजे सुननी है, कब सुननी है, और ये सब जो भी एक मेटा प्लानिंग है, जो भी एक मेगा प्लानिंग है, ये सब गुरुजी की ही प्लानिंग है। ये तो मैं कह सकती हूँ क्योंकि अभी मुझे कुछ टाइम हो गया है गुरुजी ने अपनी एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, अपनी सेवा पे रखा हुआ है। तो ये तो मैं कह सकती हूँ कि जो चीज़ मेरे दिमाग से बाहर होती है, जो मैं सोच भी नहीं सकती, वो गुरुजी ही करवाते हैं। और कैसे करवाते हैं, ये छोटे छोटे सत्संग ऐसे हज़ार मिलेंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये प्लानिंग मेरी थी ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि इतना प्लान, ऐसा प्लान मैं कर ही नहीं सकती। अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आज मेरा वर्किंग डे था और आज ही गुरुजी की सेवा थी इस चैनल पे। तो आंटी ने फ़ोन किया कि कितने बजे मैं सेवा करूँगी, तो मैंने आंटी को बोला कि मैं 7 o'clock सेवा करूँगी। तो मेरे मन में अंदर चल रहा था कि 7 o'clock पॉसिबल नहीं होगा, यू विल बी बिज़ी, अभी अभी मेरी नौकरी भी लगी है, तो गुरुजी की कृपा से तो यू विल बी बिज़ी। अंदर ही अंदर मन में चल रहा है, लेकिन मैं ऊपर से 7 o'clock आंटी को कमिटमेंट दे रही हूँ। और फिर आंटी के मुंह से निकलता है, आंटी बताओ 7 o'clock या 7:30। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने कहलवा ही दिया, नहीं तो आंटी क्यों बोलेंगी 7:30। तो 7:30 की सेवा गुरुजी ने करवाई है, जो और गुरुजी ने ही पॉसिबल करवाया है, फिर भी मैं 5 minutes लेट ही हो गई हूँ। सो ये सब गुरुजी की कृपा है। और 7 o'clock अगर होता संगति जी, तो शायद ये सेवा हो सकता है कैंसिल भी हो जाती, क्योंकि अभी संसार में रहते हैं, अभी गुरुजी ने काम पे भी लगवाया हुआ है, तो सब कुछ बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी को सब पता है, सब पता है, उन्हीं की प्लानिंग है किसने कितने बजे क्या करना है और क्या बोलना है, क्योंकि बोलने की क्षमता हमारे में नहीं है। वी कैनॉट अटर इवन वन वर्ड अबाउट गुरुजी, क्योंकि वो हमारे कॉम्प्रिहेंशन के बाहर हैं, वो हम उनको नहीं समझ सकते। हम जितना मर्जी बोल लें कि हम उनके पास रहते थे या हम उनसे बहुत क्लोज हैं या हम उनसे बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन गुरुजी को समझना, उनकी मर्यादा समझना, वो हमारे हमारे होंद से बहुत बहुत बड़ी चीज़ है और उसको हम नहीं समझ सकते। तो गुरुजी की बहुत कृपा रहती है, हमेशा रहती है, और दोज हुआ कनेक्टेड विद गुरुजी वो जानते हैं कि उनको कैसी एक छत्र छाया महसूस होती है। बात बात में जहाँ हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम वल्नरेबल हो जाते हैं, तो वहीं पे गुरुजी हमको आश्रय दे के, हमको संभाल के, हमको अपने साथ अपना हाथ पकड़ के चलवाते हैं। सो ये बहुत बड़ी कृपा है और हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं बहुत अच्छे से कि हमारे ऊपर कृपा हो रही है। लेकिन जिन्होंने वो पहले वाला वक्त देखा है और वो वाला वक्त देखा है, जो गुरुजी से जुड़ने से पहले और गुरुजी से जुड़ने के बाद का, उन्हें वो डिफरेंस महसूस होता होगा। ऊपर से देखने में हम सेम है, हमारे घर भी सेम है, हमारे रिश्ते भी सेम है, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का रुख है, जो एक डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने वो पहली वाली और दूसरी जो बाद वाली ज़िंदगी देखी है और कंपेयर की है कि कैसे गुरुजी के होने से ये दुनिया ही अलग लगती है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है और इसीलिए मुझे शब्दों में व्यक्त करना भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे ये एक्सपीरियंस है कि गुरुजी से जो जुड़ जाते हैं ना, उनको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो कहीं भी ना देखें, वो बस गुरुजी को याद रखें, वो कोई भी ज़्यादा ख्वाहिशें ऐसा ना रखें अपने अंदर, बस थोड़ी सी जो है ख्वाहिश सब में होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस ना हो, क्योंकि गुरुजी से अगर हमने कुछ मांग लिया और वो हमारे लिए गलत हो, फिर क्योंकि गुरुजी देने वाले गुरु हैं, गुरुजी हमारे ज़िद पे
दे देते हैं चीजें, लेकिन गुरु जी कहते हैं इसलिए मत मांगा करो, क्योंकि मैं देने आया हूँ, मैं दे दूंगा, लेकिन फिर तुम्हारे लिए अच्छा है कि नहीं वो समझ तुम्हारे में नहीं है। इसलिए सिर्फ अपने आप को सरेंडर करो, मेरे चरणों पे सरेंडर करो, और तभी मैं तुम्हारी जिंदगी का कोड़ा सीधा हाँकांगा। तो ये गुरु जी के शब्द हैं, ये गुरु जी की बहुत थोड़े से शब्द हैं जिनमें एक समुंदर जितना ज्ञान है। अगर हम समझने जाएं, अगर हम उस पर ध्यान दें, तो एक एक शब्द इतना भारी है गुरु जी का कि उसी पे कितना टाइम लग जाता है सोचने में कि कितना गहरा मीनिंग है, जबकि हमारे गुरु जी प्रवचन करते ही नहीं थे। तो प्रवचन नहीं है गुरु जी के, लेकिन जो भी गुरु जी ने अपने मुंह से एक बार कहा वो अटल बात होती है, और वो एक प्रवचन नहीं समझना चाहिए हमें, वो पत्थर की लकीर है, वो होना ही होता है। ये हमारे गुरु जी हैं, और जो उनके थोड़े से शब्द हैं जो हमको गुरु जी के सेइंग्स में मिलते हैं, तो मतलब वो इतने भारी हैं, इतने भारी भरकम हैं कि उनको समझने में मुझ जैसी संगत को सालों साल लग गए, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज होता रहता है, उसका मीनिंग और मैच्योर होता रहता है और डीप होता रहता है। तो उसका एक ही शब्द का मीनिंग हमको सालों साल लग जाएंगे टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि गुरुजी क्या रेफर कर रहे थे, क्या बोल रहे थे। तो गुरुजी को सरेंडर करना है, और गुरुजी को सरेंडर करना मतलब सेवा, सिमरन, सत्संग और शुक्राना, बस ये चार चीज़ें करनी है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं गुरुजी ने कहा है करने के लिए। हम सत्संग अटेंड करते करते, लेकिन अगर हमारे दिल में वो एक ओपननेस और विलिंगनेस है, तब हम खुद ही चेंज हो जाएंगे, सत्संग समय चेंज कर देंगे, गुरुजी हमारे कर्म काट देंगे। इतना रेडीमेड सल्यूशन आज मुझे, मेरे पास लफ्ज नहीं है समझाने के लिए, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेडीमेड सल्यूशन। इतना रेडीमेड सल्यूशन गुरुजी ने हमको दिया है, हमें सिर्फ अटेंड करना है, एक श्रद्धा के साथ हमें सत्संग अटेंड करना है तो हमारे कर्म कटते हैं, एक श्रद्धा के साथ हमें सत्संग बोलना है, गुरुजी के गुणगान करने हैं, जितना हमें समझ में आता है उतना ही सही, लेकिन उससे हमारे कर्म कटते हैं। हमें श्रद्धा के साथ, प्यार के साथ गुरुजी के लफ्ज़, गुरुजी के सत्संग सुनने हैं, उससे हमारे कर्म कटते हैं। और हमें सिमरन करना है, अगर हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, लेकिन अगर हम सिमरन करें, तो ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकती हूँ कि गुरुजी बहुत खुश होते हैं। गुरुजी मेरे सपने में आए हैं, जब जब मैंने बहुत थोड़ा सा सिमरन शुरू किया था जब मैंने, तो गुरुजी सपने में आते हैं, गुरुजी अपनी अपनी एक आशीर्वाद आपको देते हैं, गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, गुरुजी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं हमसे, हमको स्पेशल फील करवाते हैं। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, एंड आई वुड लव टू शेयर ऑल माय एक्सपीरियंस विद वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैव। ज़रूरी नहीं है कि मौत के मुंह से निकाल देना किसी को, वही एक सत्संग होता है, वो तो है ही एक सत्संग, लेकिन एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना वही एक सत्संग बन जाता है गुरुजी से जुड़ने के बाद। गुरुजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ही एक सत्संग बना देते हैं, एक जर्नी बना देते हैं वर्थ लिविंग, क्योंकि अगर हम अपना पर्पस समझ जाएं कि हम इस धरती पे आए क्यों हैं, और हम इसलिए आए हैं क्योंकि गुरबानी का रुख गुरुजी ने हमें दिखाया है, और डायरेक्शन दिखाया है गुरबानी, और गुरबानी में लिखा हुआ है कि हम इस धरती में एक पर्पस पूरा करने आए हैं, क्योंकि 84 लाख जीव होते हैं और हर किसी को उतनी समझ बूझ नहीं दी गई है कि वो भगवान का नाम लेके भगवान के पास पहुंच सके। मनुष्य जाति सबसे ऊंची मानी जाती है, क्योंकि उसमें एक कॉन्शियसनेस है, एक अकल है, एक डिसीजन मेकिंग पावर है, और एक समझ बूझ है, तो जो दूसरे प्राणियों में नहीं है। तो ये जो हमारी समझ बूझ है, अगर हम इसको, एक सही गुरु हमें मिल जाए जो हमें सही रास्ता दिखा दे, तो हम अपने लाइफ का पर्पस पूरा कर सकते हैं। गुरुजी इसीलिए आए धरती पे, जब हम जैसे जीव भटक रहे हैं, जब हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं सच्चाई का मार्ग है कौन सा, हम क्या करें जिससे हम सच्चे बने, जिससे हम भगवान के पास पहुँचें, एक तो ये नॉलेज ही नहीं होती,
दूसरा, ये नॉलेज किसी को आ भी जाए पाठ जाप करके, तो गुरु के बिना भगवान तो मिल ही नहीं सकता। वो तो मूल मंत्र में ही लिखा है गुरबानी में। तो हमारे गुरु गुरु नहीं, हमारे गुरु महाशिव महागुरु हैं, जो हमें अपनी जिंदगी, हमारी ही जिंदगी को सुधारने, हमारी ही जिंदगी का कायाकल्प करने इस धरती पे आए। और हम अगर उस गुरु की ना सुने तो हम जैसा बेवकूफ़, हम जैसा नासमझ बेअकल इंसान नहीं हो सकता। अगर हम संगत कहलाते हैं गुरु जी की, तो हम संगत बने। और संगत कैसे बनेंगे? जब हम अपने गुरु की बात माने, तो हम अपनी पर्पस ऑफ लाइफ पूरा करें। बाकी जो सांसारिक हमें छोटे छोटे काम दिए गए हैं, कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, वो तो करनी ही है। हमें प्लेजर्स भी गुरु जी ने इंजॉय करने के लिए कहा है, नए कपड़े, घर, बाहर, गाड़ी, सब कुछ गुरु जी इंजॉय करवाते हैं। लेकिन एक लिमिट के अंदर हमें रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें गुरु जी से जुड़ के रहना है, गुरु जी को नहीं भूलना है। और फिर हमें देखना है हमारी ज़िंदगी में क्या क्या कमाल होते हैं। और वो कमाल ज़रूरी नहीं है कि कोई मिरेकल ही हो बड़ा सा। वो कमाल ऐसे होगा कि हमें कुछ साल या कुछ महीने या कुछ दिन, हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, में हमको पता चल जाएगा कि हमारी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल चुका है। एंड दैट इज़ द ट्रू बेनिफिट ऑफ यू नो कनेक्टिंग विद गुरु जी। और हम कनेक्शन नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस जन्म में जो गुरु जी ने हमें दी है। और उसके लिए गुरु जी का शुक्राना, बस एक शब्द ही तो है, शुक्राना। हमें और कुछ नहीं आता। हमें नहीं पता कि हम कैसे थैंक यू बोलें, हम कैसे उस डिवाइन पावर, उस देवी शक्ति को, उस पावरफुल गुरु को, हमारे गुरु जी को हम कैसे शुक्राना करें। आई थिंक मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ में आता है, गुरु जी खुश होंगे अगर हम गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पे श्रद्धा के साथ चले। बस वही एक गुरु जी का शुक्राना है। सत्संग, सेवा, सिमरन और शुक्राना हमारे अंदर चलता रहे और हम सिमरन ना भूलें। तो बस गुरु जी शायद इतना ही करवा रहे हैं सत्संग आज। मेनी मेनी थैंक्स टू गीत कोगिया आंटी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पहले कांटेक्ट किया था और मैंने भी बिल्कुल मंजूरी भरी थी। तब मेरी नई नई नौकरी लगी थी, लेकिन उसके बाद ये बहुत ठंडा पड़ गया था कि मैं कब करूँगी। ना मेरे मुंह से कोई डेट निकली, ना उनकी तरफ से कोई प्रपोजल निकला। तो बहुत फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल में ही मेरे मन में बहुत ज़्यादा चल रहा था, शायद गुरुजी ही डालते हैं ये थॉट्स और प्लान करते हैं किसको कब कहाँ पे सत्संग कहना है और सुनना है। तो बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे कि आई नीड टू कॉन्टैक्ट गीत कोगिया आंटी, क्योंकि मेरा पेंडिंग है सत्संग, मुझे करना है फ़ोन। और उन्हीं दो दिनों में गीत कोगिया आंटी का फ़ोन आता है। ये कैसे हो सकता है? क्या हम इतने पावरफुल हैं जो आपस में कनेक्ट कर पाए और प्लान कर पाए? ये सब गुरु जी की प्लानिंग है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने दिन, इतने हफ्ते हम सब भूल जाते हैं? भूल नहीं गए थे, हमारे मन में था, लेकिन हमारे मुंह से कोई डेट कमिटमेंट नहीं निकलती है। और सडनली एक ही टाइम पे दोनों साइड से गुरु जी कनेक्ट करवाते हैं। ये सब गुरु जी करवा रहे हैं संगत जी। गुरु जी की सेवा हम नहीं कर सकते, बहुत छोटे हैं हम। किसी भी फॉर्म ऑफ सेवा हम नहीं कर सकते। किसी सत्संग में जाओ तो सेवादार कई बार अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, कि मैंने देखा है कि हम सेवादार हैं, दूसरों को डांटते हैं, चुप करवा देते हैं, अपने आप को थोड़ा मास्टरनी का ओहदा देते हैं। गलत है, गलत है। क्योंकि सेवादार तो उल्टा ज़्यादा झुक के रहना चाहिए। दूसरे सेवादार जो होता है, कहीं जो सत्संग में हम जाते हैं, कोई सेवादार कोई सेवा कर रहा है, तो उसे ज़्यादा विनम्र होना पड़ता है बाकी संगत से, तभी वो गुरु जी का सच्चा सेवादार कहलाएगा। तो इसलिए ये जो सेवा है, ये गुरु जी देते हैं, उसे हमें सोच समझ के, श्रद्धा अनुसार झुक कर और ह्यूमिलिटी के साथ हमें निभानी है। नहीं तो सेवा हम एक तरफ करें और दूसरे तरफ हमारे कर्म बढ़ते जाएं, तो ये कोई फायदा नहीं होगा। गुरुजी हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और गुरुजी ही डिजिग्नेट करते हैं कौन क्या करेगा। तो अगर किसी को ओहदा दिया, पद दिया, कोई सेवा दी, और अगर वही अपने आप को ज़्यादा समझने लग जाए, तो फायदा शायद नहीं होगा उतना। तो सेवा हमें बहुत श्रद्धा के साथ और प्यार के साथ झुक के
हमें विनम्रता के साथ करनी पड़ेगी, यही गुरु जी की सच्ची सेवा होगी। सो शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड शुक्राना टू अवर गुरु जी फॉर कनेक्टिंग ऑल द संगत लाइक अ फैमिली। जो मुझे कुछ नहीं पता होता कि मैंने कुछ क्यों बोला, ये गुरु जी ही बुलवाते हैं मेरे अनुसार। गुरु जी ही मेरे लफ्जों में बैठे हमेशा और वही बुलवाएं जो संगत को इफेक्ट करे, जो संगत को इन्फ्लुएंस करे। मेरे से कुछ शब्द एक्सपेक्ट मत करिए क्योंकि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं बोलना आता। ये गुरु जी ही करवा रहे हैं सेवा, और जिन्होंने मेरे सत्संग पहले सुने हुए हैं उनको पता होगा कि मैं पहले बिल्कुल रो पड़ती थी सत्संग करते वक्त। ये ऑनलाइन सेवा कैसे हो रही है, और वो भी मुझ जैसे एक संगत से, ये तो गुरु जी का कमाल है, इट्स अ मिरेकल। सो थैंक यू सो मच संगत जी फॉर ज्वाइनिंग, एंड होपफुली विल ज्वाइन वंस अगेन गुरु जी की आज्ञा के साथ। शुक्राना।